ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक्स की जो प्रॉब्लम है उसमें बहुत सिंपल केस है। सपोज करो ये आपके पास एक सरफेस है, ग्राउंड है, और ये आपके पास एक ब्लॉक है, ये आपके पास एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक 10 केजी का ब्लॉक है, ये ब्लॉक 5 केजी का ब्लॉक है। रख दिया एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रख दिया, कोई डाउट इसमें? ये जो सरफेस है नीचे वाला ये स्मूथ है, देखो बिल्कुल फ्रिक्शन की बात नहीं करनी यहाँ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, राइट? फ्रिक्शन कहां पर है? यहां पे फ्रिक्शन है, तो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, अब सपोज करो मैंने आपसे ये कहा कि 5 केजी के ब्लॉक को आपने फोर्स लगाई, मान लो 2 न्यूटन, 2 न्यूटन फोर्स लगाई, तो अब क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या क्या हो सकता है, इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले ये इमेजिन करो कि अगर मैंने इसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाई और मान लो दोनों ब्लॉक्स में 1% भी फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल 0 फ्रिक्शन है, तो क्या केस हो सकता है? 5 केजी का स्लाइड करता करता फिसलता फिसलता बिना डिस्टर्ब किए 10 केजी को आगे गिर जाएगा, 10 केजी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उसके ऊपर से 5 केजी खिसक गया। मालूम तो तब पड़ता है ना जब इनके बीच में कोई बॉन्ड बने होते, बॉन्ड तो बने ही नहीं है, लॉकिंग तो हुई नहीं, फ्रिक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो 5 केजी का ब्लॉक बाहर से निकल जाएगा, बात खत्म। पहला पॉइंट क्लियर है? तो 101% है, ये तो आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि चैप्टर का नाम तो फ्रिक्शन है, तो बिना फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक में फ्रिक्शन आएगी आएगी। दूसरा केस, अगर यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है अब क्या होगा? चलो मान लो यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है और नीचे नहीं है, क्या होगा? तो फिर तो ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। हाँ, अब इसमें भी दो केस हैं। अगर तो फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा है, बहुत हद से ज्यादा फ्रिक्शन है, इतनी फ्रिक्शन है चिपके बैठे, उठाना मुश्किल हुआ पड़ा है, तो अब देखो अगर तुमने यहां फोर्स लगाई 5 केजी, इनकी दोस्ती पक्की है, फ्रिक्शन बता रहा हूं, ये नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे को, इंटरलॉकिंग खतरनाक है। अब क्या होगा जब आप इसे फोर्स लगाएंगे? तो ये 10 केजी को भी साथ की साथ लेके जाएगा, दोनों इकट्ठे मूव करेंगे और ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होंगे। पहला केस। दूसरा केस, फ्रिक्शन तो है पर उतनी जोरदार नहीं है, थोड़ी बहुत है। अब क्या हो सकता है? थोड़ी बहुत फ्रिक्शन के अंदर ऊपर वाला ब्लॉक को तो देखो मेरी सुननी ही पड़ेगी, जो ऊपर का बॉक्स है वो तो मेरे साथ चल ही पड़ेगा क्योंकि मैंने उस पर फोर्स लगाई है, पर वो प्रॉपरली 10 केजी के ब्लॉक को खींच नहीं पाएगा। कुछ हद तक तो खींच पाएगा पर हमेशा नहीं खींच पाएगा, तो यानी कि ये इसके ऊपर तेजी से स्लाइड करेगा, ऐसा नहीं कि 10 केजी मूव नहीं करेगा, करेगा कुछ देर तक ये मूव करेगा, लेकिन 5 केजी तेजी से मूव करता हुआ स्लाइड करता हुआ फाइनली 10 केजी से बाहर गिर जाएगा। ठीक है यहां तक? है ही नहीं, मैंने यहां फ्रिक्शन बात नहीं की, स्मूथ है, बिल्कुल करेगा, आपकी फोर्स पे डिपेंड करेगा, आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इन शॉर्ट तुम जो मर्जी दलील दे लो, केस तो दो ही बनते हैं, या तो ये इकट्ठे मूव करेंगे या ये इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, सिंपल है, दो ही बातें हैं। इकट्ठे तभी मूव करेंगे जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत स्ट्रांग है और आपकी अप्लाइड फोर्स उससे कमजोर है, दोनों चीजें ले लेता हूं, फिर तो दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, और इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, एक तेज मूव करेगा और एक साथ साथ कुछ देर तक जाएगा और फिर 5 केजी का तो नीचे गिर ही जाएगा, यानी कि 5 केजी तेज स्लाइड करेगा, 10 केजी नहीं कर पाएगा, कुछ देर तक करेगा जब फ्रिक्शन थोड़ी कमजोर होगी और आपकी अप्लाइड फोर्स भी उसके अकॉर्डिंगली ही होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? दो केस हो सकते हैं, तो अगर या तो फ्रिक्शन बिल्कुल ना हुई फिर तो मतलब ही नहीं दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, अगर फ्रिक्शन बहुत खतरनाक हुई 101% दोनों के दोनों इकट्ठे ही मूव करेंगे, और अगर पता नहीं ठीक ठीक हुई तो फिर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करेगा आपने कितनी फोर्स लगाई और अंदर से कितनी पकड़ है इनकी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करेगा। फोर्स कांस्टेंट ही लगती जाएगी इसमें, इन टाइप के न्यूमेरिकल में टाइम वेरिंग फोर्सेस नहीं होती, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, कांस्टेंट फोर्सेस हैं।
यहां तक ये केस क्लियर है? ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं कि अगर मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और मैंने कहा कि ये मूव करेगा, ये इकट्ठे मूव कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, मैं कह नहीं सकता जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो चलो मैं यहां पर इसको छोड़ता हूं, लेकिन एक चीज पक्की है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी वो पूछना चाहता हूं। 5 kg के ऑब्जेक्ट को जब मैंने आगे फोर्स लगाई और 10 kg को मैंने टच भी नहीं किया, ठीक है फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव कर रहे हैं, बात अलग है, तो बताओ 10 kg के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी, राइट की लेफ्ट? और 5 kg के ऊपर कहां होगी? कितने लोग बोलते हैं 10 kg के ऊपर राइट फोर्स है, और कितने बोलते हैं 10 kg पे लेफ्ट फोर्स है क्योंकि राइट मूव कर रहा है, इसकी मोशन तो राइट होगी। कितने लोग बोलते हैं 5 kg पे लेफ्ट फ्रिक्शन है, और कितने बोलते हैं 5 kg पे राइट की तरफ फ्रिक्शन है? ठीक है, फ्रिक्शन की ना एक प्रॉपर्टी है, ये भूलना नहीं, हमने पहले भी डिस्कस की थी। अगर मान लो ये ग्राउंड है और ये एक ब्लॉक है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और अगर मैं इसे यहां खींचता हूं, स्लाइड करता हूं प्रॉपर, तो ग्राउंड इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी और इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और बदले में ये ब्लॉक भी ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसे रूल बना था। तो अगर मैं ये बॉडी स्लाइड करवाता हूं तो इस पे जो फ्रिक्शन है वो इधर एक्ट करती है और ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन आगे एक्ट करती है, और मैंने हमेशा कहा मैं ग्राउंड की फ्रिक्शन लूंगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड की फ्रिक्शन को फर्क ही नहीं पड़ता यार, तुम फ्रिक्शन अर्थ पे लगा भी दोगे उसको फर्क क्या पड़ रहा है, उसने कौन सा हिलना है। तो इसलिए न्यूमेरिकल में हमने इसकी बात ही नहीं की, हमने सिर्फ इसकी बात की थी, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 5 kg ऑब्जेक्ट के लिए जो ग्राउंड है वो ये नहीं है, उसका ग्राउंड तो यही है। 5 kg का ऑब्जेक्ट तो अपने नीचे की सरफेस को ग्राउंड मानता है, तो 5 kg का ऑब्जेक्ट इसे ग्राउंड मानता है। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये गलत हो गई गेम खत्म, आएगा ही नहीं आंसर। ठीक, तो देखने का तरीका 5 kg पे और 10 kg पे फ्रिक्शन कैसे देखते हैं। जब 5 kg को फोर्स आगे मिली तो ये कहां स्लाइड करने की कोशिश करेगा, 10 kg के ऊपर, तो इसको फ्रिक्शन कहां मिलेगी, पीछे, और बदले में बाय रिएक्शन ये नीचे वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन कहां लगाएगा, आगे। ये देखो क्या स्टेप क्लियर है, 5 kg का ऑब्जेक्ट आगे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो इसको नीचे का ब्लॉक क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। 10 kg का ब्लॉक क्यों कहेगा उसे, चल ठीक है तेरे ऊपर फोर्स लग रही है मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, तो जा यहां से। अरे ऐसे कैसे बोलेगा, वो कहेगा मेरे को भी साथ लेके चल, जब वो ये बोलेगा मेरे को साथ लेके चल, इसमें तो बोझ ही पड़ गया 5 kg पे, इसमें क्या आ गई, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और इसको बेनिफिट हो गया क्योंकि इसको फ्रिक्शन हेल्प कर रही है कि 10 kg का ऑब्जेक्ट भी साथ मूव करना स्टार्ट कर देगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि 10 kg का ऑब्जेक्ट को अगर तुम पूछोगे फिर तू कैसे चल पड़ा, तेरे को किसने बुलाया, टच तो तेरे को कोई कर नहीं रहा, तो क्या बोलेगा ये, फ्रिक्शन, ये बोलेगा मैं जुड़ा हुआ हूं, हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको फ्रिक्शन बोलते हैं, और फ्रिक्शन की वजह से मैं आगे की तरफ मूव करूंगा। तो डायरेक्शंस क्लियर है यहां तक फ्रिक्शन की? कई लोग मान लो ये रूल नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं, वैसे मैं रूल बना दिया, जिस बॉडी पे फोर्स लगेगी उसकी फ्रिक्शन पीछे होगी और नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे होगी, बात ही खत्म है। फिर भी कोई बात नहीं, समझ में आया, कोई बात नहीं। जिस सेकंड रूल है, अगर आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखना चाहते हो, जिस बॉडी पे फोर्स लगी उससे बिल्कुल ना पूछो तेरी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जिस पे नहीं लगी 10 kg उससे पूछो कि तेरी फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। तो पहले ये पूछो तू कहां मूव करेगा, वो कहेगा मैं तो यहां मूव करूंगा, इसके साथ मूव करूंगा, तो आप इससे पूछोगे तेरे पे किसने फोर्स तो लगा ही नहीं, तो क्या बोलेगा, मुझे फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, कहां मूव करने में, टुवर्ड्स राइट। तो अगर भाई तुम्हें फ्रिक्शन हेल्प कर रही है टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन को कहां एक्ट करना पड़ेगा, टुवर्ड्स राइट, और अगर इसकी राइट तो इसकी लेफ्ट, कैसे भी पता कर लो एक ही बात है। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स में डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकलेगी, बात समझ में आती है? सपोज करो, इमेजिन करो ये स्मूथ सरफेस है, फिर से एक बार ये लो, और सपोज इसके ऊपर ये एक ब्लॉक दिया मैंने, ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर ये फिर से एक ब्लॉक है, इस बार ये 10 kg का, फिर से एक बार 5 kg का, यहाँ स्मूथ है और यहाँ फ्रिक्शन है,
लेकिन इस बार जो मैंने फोर्स लगाई वो नीचे के ब्लॉक पे लगाई एफ। अब क्या हो सकता है? पहला केस, अगर बाय चांस इनमें फ्रिक्शन ना होती बिल्कुल जीरो, तो इसको मालूम ही ना पड़ता नीचे का ब्लॉक इसके नीचे सरक के चला भी गया, क्योंकि मालूम तो तब पड़ता ना जब ये चिपके होते बाय बॉन्ड्स या बाय रफनेस या बाय फ्रिक्शन। तुमने कहा फ्रिक्शन नहीं लेनी, तो नीचे का ब्लॉक सरक जाएगा, ऊपर का वहीं रह जाएगा और नीचे गिर जाएगा। पर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, बात अलग है, वो मैंने डिस्कस किया। दूसरा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब चिपके हुए हैं हट ही नहीं रहे, कितने भी फोर्स लगा दो तब भी। अब अगर आप 10 kg को फोर्स लगाओगे तो 5 kg साथ साथ मूव करेगा, दे विल नॉट बी सेपरेटेड। और अगर फ्रिक्शन का मालूम नहीं है, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, थोड़ी बहुत फ्रिक्शन है, अब क्या होगा? थोड़ी बहुत फ्रिक्शन में 10 kg कहेगा देख मैं तो आगे जाऊंगा ही जाऊंगा क्योंकि मेरे पे तो फोर्स लग रही है। हाँ, 5 kg को कहेगा देख मैं कुछ देर तक तो तेरे को आगे लेके जा सकता हूँ क्योंकि हमारे बीच में फ्रिक्शन बहुत कमज़ोर है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देख मैं वहाँ से निकल जाऊँगा और तू नीचे गिरी जाएगा। तो इसलिए नीचे गिरेगा क्योंकि मेरे और तेरे बीच में फ्रिक्शन बहुत कम है, तो मैं कुछ देर तेरा साथ दे पाऊँगा, उसके बाद तेरे को गिरना ही पड़ेगा। तो ये केस हो सकता है, यानी कि फिर दो केस हैं फ्रिक्शन की वैल्यू पे डिपेंड करते हुए, या तो ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे या इकट्ठे मूव नहीं करेंगे, दो ही केस है और तीसरा कोई केस पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या रूल है इसमें, फ्रिक्शन की डायरेक्शन, फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट होती है या कैसे सोचना है आपने? तो यानी कि न्यूमेरिकल के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों इकट्ठे ही मूव करेंगे, न्यूमेरिकल में ये भी हो सकता है कि दोनों इकट्ठे मूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कुछ भी आ सकता है। ये आपको डिसाइड करना होगा न्यूमेरिकल की वैल्यूज देख के और फ्रिक्शन की वैल्यूज को देख के कि इकट्ठे मूव करेंगे या नहीं करेंगे। क्लियर है? लेकिन दोनों केसेस पॉसिबल है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। अब दूसरा, फ्रिक्शन की अगर डायरेक्शन की बात करें, बताओ 10 kg पे फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी? पीछे करेगी, और 5 kg पे आगे करेगी। तो इसका रूल मैंने बताया था, दो तरीके हैं, या तो जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई की देखो उसको तो फ्रिक्शन कहाँ मिलने वाली है? पीछे। और जिस और 5 kg का ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो कोई पूछे क्यों मूव कर रहा है, आप बोलेंगे फ्रिक्शन हेल्प कर रही है, फ्रिक्शन की वजह से आगे मूव कर रहा है। कोई डाउट इसमें? और ये क्वेश्चन आप 5 kg के ऑब्जेक्ट से भी पूछ सकते हो कि भाई तेरी फ्रिक्शन कहाँ पर है? ये कहेगा देख मैं जा तो आगे रहा हूँ, और अगर जब ये बोलेगा मैं आगे जा रहा हूँ तो तेरे को लगा कौन रहा है फोर्स आगे? कोई भी नहीं, तो कौन हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन। तो अगर इसकी फ्रिक्शन आगे तो इसकी फ्रिक्शन पीछे। कोई डाउट इसमें? फ्रिक्शन की डायरेक्शंस क्लियर एकदम? ठीक, तो यहाँ तक आपको ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स में दो चीज़ें मालूम पड़ी, एक इस और इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकलते हैं, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगी, आगे होगी या पीछे होगी, किसी में आगे और किसी में पीछे होगी। कोई डाउट इसमें?